हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड। आज हम जो है सारी भाई के सेटअप पे मौजूद हैं। तो आज की वीडियो में इनके पास जो बर्ड्स लगे वो आपको दिखाएंगे। बाकी इनके पास मास्टर था काफ़ी ज़बरदस्त, इन्होंने मास्टर केज बनाया हुआ है। अगर किसी को मास्टर केज भी बनवाना हो तो उसके हवाले से भी इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अपनी लोकेशन का बताएं, काफ़ी ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, पूरा औरंगी टाउन मेरे ख्याल से दिख रहा है यहाँ से। जी, ये हमारा औरंगी टाउन में एक हिल स्टेशन टाइप की जगह है, अल्हम्दुलिल्लाह सही करम है। और ये औरंगी टाउन पाँच नंबर, मेन पाँच नंबर कहलाता है, ठीक है। बाकी गूगल मैप के ऊपर हमने अपनी लोकेशन दी भी है, अगर कोई भी आना चाहता है तो गूगल मैप पे वो सिर्फ ये लिख दे मास्टर केज, तो वो गूगल मैप आपको बता देगा हमारी लोकेशन। और ये सिर्फ ये मेन रोड है जो पाँच नंबर का, जो औरंगी का रोड है, और उससे एक गली अंदर हमारा जो है ये फैक्ट्री है। आपको मेन रोड से भी हमारी फैक्ट्री नज़र आती है। करीब में कोई मशहूर जगह है, मशहूर चीज़ है? हाँ, ये बैक साइड पे हमारे पास अलखिदमत हॉस्पिटल है, अलखिदमत हॉस्पिटल है। और ये बिकन हाउस दी एजुकेटर स्कूल है, ठीक है। ये दी एजुकेटर स्कूल वाली सीधी गली आप गली आ रही है, ये सीधी जो है हमारी फैक्ट्री पे जो है वो आप पहुंच जाएंगे। ये अल नुसरत बिल्डिंग के नाम से ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिल्डिंग है। सही, मेरी वालदा माजिदा के नाम पर ये बिल्डिंग का नाम रखा है। आपने बर्ड्स में क्या क्या वैरायटी रखी हुई है? बर्ड्स में मेरे पास बजरीगर हैं, ठीक है। बजरीगर में मेरे पास टी सी बी होगो रोमोज हैं, ठीक है। और इसके अलावा बजीज के ऊपर मैं ज़रा ज़्यादा वर्किंग करता हूँ। और इसके अलावा मेरे पास लोटिनो है, लोटिनो पसनाटा है, फिशरी है, और इसके अलावा अल्बाइनोज है मेरे पास, और कुछ जो है मेरे पास वो फिंचेस हैं। फिंचेस का मैंने अभी सेटअप स्टार्ट किया है। तो बर्ड्स में और केजेस में कितना फ़र्क आप देखते हैं? आप माशाल्लाह तो पूरा केजेस का काम करें, तो बर्ड्स में ज़्यादा फ़ायदा या तो आपके अपना जो काम है वो तो आपको अलग ही लगता होगा? फ़ायदा तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों में है, लेकिन ये है कि जिसमें आप क्योंकि केजेस के कामों में भी मेहनत बहुत ज़्यादा है, और बर्ड्स में भी जाहिर सी बात है जब आप काम करते हैं तो उसमें भी जो है वो मेहनत है। बाकी ये है कि मेहनत में अज़मत है भाई, और अगर आप कोई भी काम शुरू करते हैं और उसके अंदर मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो अल्लाह पाक उसमें बरकत डालते हैं। सही, ठीक है ना। तो अभी बर्ड्स में ब्रीड वगैरह आई है आपके पास? ब्रीड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आई है, वो भी अभी आपको दिखाते हैं। सही है ना। सबसे पहले आपके मास्टर केज का मैं ओवरव्यू दिखा देता हूँ, आप मास्टर केज के बारे में बताते हैं, अगर किसी को बनवाना हो तो आपसे रब्ता कर सकते हैं। तो आपने कौन सा मटेरियल यूज़ करा हुआ है अपने मास्टर केज? ये जो हमने मास्टर केज बनवाया हुआ है, ये तो खैर हमने बहुत ज़बरदस्त मटेरियल, बिल्कुल हैवी ड्यूटी मटेरियल इसके अंदर इस्तेमाल किया। इसमें हमने 16 गेज का 4 इंची मोटा स्क्वायर पाइप जो पिलरिंग के लिए इस्तेमाल किया हमने। बाकी इसके अलावा हमने इसके अंदर 1.5 इंची 1.5 सूत मोटी एंगल जो सपोर्ट दी हुई है, और इसके अंदर हमने 13 गेज की और 9 गेज की जाली बनाकर हमने लगाई। सही, ठीक है। और इसके ऊपर जो छत है इसकी, वो हमने कलर शीट, जो ऑस्ट्रेलियन कलर शीट होती है, वो हमने लगवाई हुई है, ठीक है। ये आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मास्टर केज बनवा सकते हैं। सही, अल्हम्दुलिल्लाह जिस क्वालिटी का, जिस मेयार का आप काम हमें इंशाल्लाह बोलेंगे, हम आपको उस क्वालिटी का और उस रेट्स के ऊपर आपको काम करके, मतलब कोई भी बंदा जिस साइज़ का भी बोला वो आप बना जी बिल्कुल जिस साइज़ में, जिस मटेरियल के अंदर, जिस तरीके से वो बनवाना चाहे, हम उसको बना के दे सकते हैं मास्टर केज। सही, चलिए मास्टर केज के अंदर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रिंग नेक्स वगैरह रखे हुए आपने? जी, ये रिंग नेक्स रखे हुए हैं। सही, यहाँ पे रिंग नेक्स की मतलब ब्रीड वगैरह करवा रहे हैं? जी, यहाँ पे रिंग नेक की ब्रीड करवा रहे हैं हम, ठीक है ना। ये ज़्यादा पेयर नहीं है मेरे पास अभी फ़िलहाल, मैंने इनिशियली जो है वो 4 से 5 पेयर डाले हुए। सही, इसके अंदर तो सारे बॉक्स में गए हुए? जी, अभी ये बॉक्स में है क्योंकि अभी सीज़न है, आपको पता है। तो इसमें एक आध बॉक्स में जो है वो हमारे पास एग भी आए हुए हैं। सही, बाकी ये कि 2-3 उसमें जो है वो मादा अंडे पर भी है। सही, अच्छा माशाल्लाह। मेल अकेले रखा है, टॉकिंग करता है? ये टॉकिंग मेल है, अभी ये आपके सामने नहीं बोल रहा, वैसे ये बोलता है मियां बिट्टू और टॉकिंग करता है। अच्छा, इस केजी में कौन से रिंग नेक्स हैं? रिंग ये हमारे पास ग्रीन बेसिक रिंग नेक, जो अपने ग्रीन रिंग नेक्स होते हैं वो हमारे पास मौजूद हैं इसमें। सही, और ये एक बेसिकली एक आइडिया है कि किस तरीके से आप रिंग नेक का सेटअप रख सकते हैं। तो ये हमारे केजेस हैं। सही, जो आपने केजेस नीचे दिखाए थे हमें पिछली वीडियो जी में, जी तो जी इस तरीके से वो रेडी जी बिल्कुल पीछे बॉक्स लगता है और यहाँ पे आराम से एक पेयर ब्रीड कर सकता है। बिल्कुल 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 सही। अच्छा, इसके ऊपर भी हम केज रख सकते हैं अगर? जी जी बिल्कुल, ये 3 पोर्शन का केज होता है, ठीक है। इसके ऊपर आप 3 पोर्शन, वैसे ये मतलब केज सेपरेट भी रख सकते हैं आप इसको, हर बॉक्स अलग अलग जो है वो होता है, अगर आप इसको एक के ऊपर एक रखना चाहें तो आप उसको रख सकते हैं। सही, तो ये मतलब फॉर सेल कर रहे हैं केज वगैरह ये? जी जी, ये फॉर सेल है मेरे पास, अगर किसी भाई को मेरे पास से रिंग नेक चाहिए हो तो रिंग नेक जो है वो मेरे पास से मिल जाएंगे। सही, तो कितने पेयर होंगे टोटल रिंग नेक के आपके? ये मेरे पास 4 पेयर हैं। 4 पेयर हैं, चारों माशाल्लाह से ब्रीडर पेयर हैं? बिल्कुल वाइल्ड पेयर हैं, ब्रीडर पेयर हैं, रेडी टू ब्रीड, और इंशाल्लाह अगर करेंगे तो बिल्कुल फर्स्ट ब्रीड करेंगे। सही, अच्छा जी, यहाँ पे डफ रखी हुई आपने?
हाँ, ये हमने एक हमारी जगह थी उसको हमने यूटिलाइज़ किया है और यहाँ पे हमने डव रख दी, वाइट टेल डव डाली हुई है यहाँ पे। सही, ठीक है ना। तो इस मतलब जगह को हमने सारी जगह को आपने कवर करे, जहाँ जहाँ जगह मिली वहाँ बर्ड रखे। बिल्कुल बिल्कुल, हमने कोई भी जगह जो है अपनी फैक्ट्री की वो ज़ाया नहीं की है, उसको हमने यूटिलाइज़ किया है, तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है मेरे ख्याल में। सही, तो इसमें अभी डफ ने ब्रीड वगैरह करी आपके पास? नहीं, ये अभी मैंने रिसेंटली महीना डेढ़ हुआ है अभी, लेकिन इन्होंने नेस्टिंग कर ली है और मेरे ख्याल में एक आध नेस्टिंग में जो है वो अंडे भी आए हुए। सही जी जी। ये हमारे पास वाइट टेल डव है, ठीक है ना, और ये इसके हमारे पास 10 से 15 पेयर हमारे पास हैं अभी। अच्छा, आपने कॉलोनी बनाई हुई वन बाई वन? जी जी, नहीं ये कॉलोनी में रखे हुए डव। अभी फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका ये? हाँ, ये फर्स्ट, असल में ये हमारे पास एक जगह एक खाली पड़ी हुई थी, तो हमने उसको यूटिलाइज़ करने के लिए, वैसे तो बेस्ट तो ये होता है आप केज वाइज रखें बर्ड को जी, लेकिन ये हमारी जगह फारिग थी तो इस वजह से इसमें जो है वो डव जो है मैंने अभी ला के छोड़ दिए। जी, अब हम अंदर चलते हैं, यहाँ पे बर्ड्स वगैरह आपने रखे हुए जी। यहाँ पे हमारा बर्ड्स का सेक्शन है, आइए हम आपको दिखाते हैं। सही, ये पूरा मास्टर केज भी आपने खुद ही बनवाया बर्ड्स के लिए? जी जी, हमने खुद बनाया, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, ये मास्टर केज भी हमने खुद बनाया। सही, और ये जो बेसिक मोटेशन है जिसमें मैं वर्किंग कर रहा हूँ, ये सारी मैंने इससे पिक्चर्स के ऊपर लगाई है, बनाई हुई आपने जी। सही, आपकी वेबसाइट वगैरह भी है? जी, हमारे सारे बैंड मास्टर केजेस के नाम से वेबसाइट भी है। सही, सारे केज एंड मास्टर केज। जी जी। आपका यूट्यूब चैनल वगैरह भी है? जी, यूट्यूब चैनल भी हमारा सारे बैंड मास्टर केजेस के नाम से यूट्यूब पे हमारा चैनल है। तो बर्ड से रिलेटेड वीडियो डालते हैं आप? बर्ड से रिलेटेड भी डालते हैं और केजेस के केजेस से रिलेटेड, क्योंकि हमारा ज़ाहिर सी बात है मल्टा है, उसके हिसाब से काम है। सही, तो दोनों टाइप की वीडियोज़ जो है वो हम डालते हैं। सही, मैंने बर्ड्स दिखाए सबसे पहले, कौन कौन से बर्ड्स और क्या ब्रीड आ रही है आपके पास? ये हमने जो 12 पोर्शन के सादा बजरी रखे हुए हैं, 12 पोर्शन के अंदर फ्रंट बॉक्स ऑप्शन जो है ये केज है। सही, तो जी आपके जो केजेस हैं वो रेडी होकर ऐसे हो जाते हैं जो आप नीचे? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये नॉर्मल बजरी पर माशा अल्लाह से ब्रीड करवा रहे हैं, ये इधर दिखाएं, इधर अंडे आए हैं। सही, माशा अल्लाह से पेयर ने अंडे दिए हुए। तो अभी बजरी करके आपका ब्रीड कैसी आ रही है? ब्रीड अभी फ़िलहाल तो थोड़ा सा स्टॉप किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वैसे बहुत अच्छी ब्रीड आई है मेरे पास सीज़न के अंदर। अभी आखिरी सीज़न, आखिरी क्लच है सीज़न? हाँ, ये आखिरी क्लच तकरीबन के आ चुके हैं, अभी जो है वो थोड़ा सा पेयर्स ने रेस्ट किया है, ठीक है ना, तो अभी जो है हमारे पास, लेकिन ये कि सीज़न में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट आया। वैसे ही अभी शौक के तौर पर रखे हुए हैं बर्ड? हाँ, शौकिया तौर पे रखे हुए हैं, बाकी ये है कि ब्रीड अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड प्रोग्रेस इसकी अच्छी थी हमारे पास सीज़न में, लेकिन अभी ये ज़ाहिर सी बात है आपको पता है कि सीज़न ऑफ़ हो गया है, तो ऑफ होने की वजह से जो है अभी ब्रीड जो है वो बहुत सारे पेयर जो है वो स्टॉप हो गए, स्टॉप हो गए। सही, जी सारिक भाई, आपके जो केजेस आपने पहले तो नीचे से दिखाए थे पिछली वीडियो में सारे पैक हुए हुए थे, वो यहाँ पे जो है केज रेडी होके जो है इस तरीके की कंडीशन में दिखते हैं अलग अलग पोर्शन के जी अंदर। ये 12 पोर्शन फ्रंट बॉक्स का केज है और इसके अंदर आप बजीज भी रख सकते हैं, इसके अंदर फिंचेस भी रख सकते हैं आप, मोटेशन जो आ रही हैं आजकल वो भी रख सकते हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त साइज़ है, इसमें बहुत कम जगह के अंदर और अच्छी इन्वेस्टमेंट के अंदर, इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट के अंदर आप बहुत ज़्यादा पेयर्स रख सकते हैं, और उसको कंट्रोल करना बहुत आसान होता है क्योंकि बॉक्सेस बाहर होते हैं और बॉक्स आप जैसे ड्रॉर वाले जो आजकल चल रहे हैं बॉक्स, दराज वाले बॉक्स आप रखेंगे तो उसमें आपको बहुत इजी से चेक करना और उसकी सफाई सुथराई रखना, उसको मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। सही, ये बेसिकली एक आइडिया होता है कि इस तरीके से आप बजीज भी रख सकते हैं, फिंचेस भी रख सकते हैं, ये बेसिकली एक हमारा मकसद जो है वो आइडिया भी देना है लोगों को कि इस तरीके से आप अपने सेटअप को बहुत ज़्यादा खूबसूरत और मेंटेन करके उसको चला सकते हैं। अच्छा सारी भाई, यहाँ पे आपने लव बर्ड्स रखे हुए? जी, अभी हमारा सेकंड सेक्शन है, ये हमारा बेसिक सेक्शन है। सही है, अब हम आपको बताएंगे कि
ये हमारा जो साइज़ है, सबसे पहले आप इसको फोकस करें, ये अल्बाइनों के लिए बहुत ज़्यादा चलने वाला साइज़ है और ज़्यादातर जो ब्रीडर्स हैं वो ये रेकमेंड करते हैं। 1.5 फुट इसका फ्रंट है, 1.5 फुट हाइट है और 3 फुट इसकी गहराई है। बैक पे बॉक्स ऑप्शन है, इसमें हमने अल्बाइनोज रखे हुए हैं। ये जावा की कॉलोनी बनाई हुई है, 2 फुट इसका फ्रंट है, 3 फुट इसकी गहराई है, 1.5 फुट इसकी हाइट है। इसमें हमने 3 बॉक्स ऑप्शन डाल दिए, ठीक है। अब इस पर आपके पास अगर तीनों पेयर सेट हो जाए, आप 3 पेयर उसको रख लें, 2 पेयर सेट हो जाए 2 पेयर रख लें। ये एक बेस्ट कॉलोनी कहलाती है जावा के लिए। 4-4 पेयर से यहाँ पे कॉलोनी बनाई जी जी, 3-3 पेयर की, क्योंकि ज़्यादा आपको पता है कॉलोनी में अगर ज़्यादा पेयर भी हो जाते हैं तो भी मसले मसाइल हो सकते हैं। सही। अच्छा, सारी जावा जो वाइट रखी थी आपने? जी, फिलहाल मेरे पास सारी वाइट जावा है। सही। तो अभी क्या क्या प्रोग्रेस आ रही है आपके पास? प्रोग्रेस मेरे पास अच्छी है, मेरे पास पट्टे भी आए हुए हैं, कुछ पट्टे मैंने सेल भी किए थे सीज़न के अंदर और कुछ पट्टे यहाँ पे रखे हुए भी। ये हमारे पास जो है ये पट्टे रखे हैं। फॉर सेल है अभी? अभी फ़िलहाल फॉर सेल नहीं है ये, लेकिन ये है कि ये जब होगा इंशाल्लाह तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर किसी भाई को चाहिए हो तो वो रब्ता कर सकते। अल्बाइनो के अपने वैसे कितने पेयर लगाए हैं? अल्बाइनो रेड आई ब्लैक आई लगाए? अल्बाइनो के तकरीबन 10 से 12 पेयर लगाए हुए मैंने, उसमें रेड आई टू रेड आई भी लगाए हुए, रेड आई टू ब्लैक आई भी हैं। सही। चिक्स वगैरह रखे हुए आपने? ये हमारे पास जो पट्टे आए हैं जिसमें अल्बाइनो के भी हैं, लोटिनो पसनाटा भी हैं, फिशर भी हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास जो पट्टे आए हुए हैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक पट्टे हमने सेल आउट भी किए हैं। सही। अच्छा जी, यहाँ पे इस तरफ अगर हम आते तो यहाँ पे सारे लोटिनो वगैरह लगाए हुए आपने? जी, इसमें लोटिनो है, लोटिनो पसनाटा है, फिशर हैं, ये 3-4 किस्म की म्यूटेशन हमने यहाँ पर रखी हुई है। फॉस्टरिंग के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, इन्हीं से ब्रीड ले रहे हैं? जी, ये बेसिकली जो है ये फॉस्टिंग के तौर पे हमने पेयर रखे हुए हैं, अल्बाइनो की फॉस्टिंग जो है वो इससे करवा रहे हैं। सही। तो मतलब बच्चे वगैरह पाल रहे हैं अच्छे पेयर? जी बिल्कुल, बेहतरीन जो है वो फॉस्टिंग के पेयर्स हैं हमारे, ये बेस्ट पेयर हैं। ये रोके हमने तकरीबन 100-150 पेयर था मेरे पास, जिसमें से ये बेस्ट पेयर मैंने रोक के बाकी पेयर्स को मैंने कम किया है अपनी जगह से। सही। अच्छा, यहाँ पे होगो रोमो टीसी भी होगो लगाया है? ये टीसी भी होगो रोमो के पेयर्स हैं। सही। तो भी इनकी वैसे मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट में क्या डिमांड चल रही है? ये टीसीपी ओवर रोमो हमारे पास ही अंडर साइज़ के टीसीपी ओवर रोमो है, इसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 12,000 से 15,000 रुपये तक के दरमियान है। पर पेयर। सही। ये कौन सा पेयर है? ये टीसीपी ओवर रोमो का मेल है और वो सामने फीमेल है और ये बहुत अच्छा पेयर है मेरा, और ये जो है वो एक एक क्लच के अंदर 7-7 बच्चे भी निकालता है ये, लेकिन अभी थोड़ा सीज़न ऑफ है तो इसने जो है वो अभी फ़िलहाल 2 बच्चे निकाले हैं, ये अल्बाइनो का बच्चा निकाला एक। सही। अच्छा, ये बॉक्स आपने ये खुद बनवाए? जी, ये मैंने खुद बनवाए हैं, इसमें बहुत इजी रहता है सफाई सुथराई करना बॉक्स की, इसको मेंटेन करना, अंडों की चेकिंग वगैरह बहुत इजी रहती है इसके अंदर। सही। तो माशाल्लाह, तो होगो रोमो के आपने कितने पेयर लगाए अपने सेटअप पर? होगो रोमो के 12 से 15 पेयर है मेरे पास, बाकी मेरे पास पट्टे आए हुए हैं अपने अपने फार्म के पट्टे हैं ये, इसमें एग्जीबिशन भी हैं और टीसीपी ओगोरोमो भी है। आपकी होम ब्रीड आई हुई है? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी होम ब्रीड है, इसमें टीसीपी ओगोरोमो भी हैं और इसमें अंडर साइज किंग बजीज भी हैं और इसके अंदर जो नॉर्मल सारी जितनी भी म्यूटेशन है वो सारे फिक्स मौजूद हैं। जी जी, इसके अंदर सारी म्यूटेशन मौजूद हैं। बाकी एग्जीबिशन वगैरह भी रखे हुए? जी, एग्जीबिशन के चिक्स भी हैं इसके अंदर। सही। ये सारी होम ब्रीड है। अच्छा जी, यहाँ पे फिंच की कॉलोनी भी आपने बनाई हुई है? ये हमने फिंच की कॉलोनी बनाई हुई है, इसके अंदर 8 से 10 पेयर आप लगा सकते हैं। ये साइज है, 3 फुट इसका फ्रंट है, 3 फुट इसकी हाइट है और 2 फुट इसकी गहराई है। इसके अंदर 8 से 10 पेयर आप लगा सकते हैं और ये हमने फ्रंट पे बॉक्स ऑप्शन दिया हुआ है ताकि ये क्या इसकी भी हैंडलिंग और इसको आपको चेक करना, अंडे वगैरह चेक करना, बच्चे चेक करना बहुत ईजी रहता है। सही। और ये एक बहुत हैंडसम कॉलोनी है फिंचेस की। अच्छा, इसमें जावा वगैरह भी रख सकते हैं? बिल्कुल, आप जावा भी रख सकते हैं इसमें, म्यूटेशंस भी जो आप फिंचेस में आ रही हैं, बंगलाइज आ रही हैं और भी म्यूटेशंस हैं वो आप इसमें इस साइज में इजीली रख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे लेडी गोल्डन शाफ्टेल वगैरह रखी हुई है? शाफ्टेल। सही। तो इनकी ये कुछ पेयर हमारे पास शाफ्टेल के हैं, बंगलाइज के हैं, वाइट बंगलाइज है, गोल्डियन है। माशाल्लाह, तो आपको हर चीज़ का शौक है मेरे ख्याल से, हर एक किस्म के बर्ड्स आपने रखे हुए अपने घर? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, भले एक एक दो दो पेयर हों लेकिन बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी म्यूटेशन जो है वो हमने डाली हुई है। सही। यहाँ पे बजरी की ब्रीड भी आई हुई आपके पास? जी, ये बजीज की ब्रीड आई हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी हमारी होम ब्रीड है और सही। ये अब बिल्कुल एडल्ट के करीब हैं ये सारे पट्टे। तो आए कोई लेना चाहे तो आपसे रब्ता कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर किसी को चाहिए हो तो हमसे रब्ता कर सकता है। सही।
जो बर्ड्स का सेटअप था वो आपको विजिट करके दिखा दिया। बाकी यहाँ पे इंक्यूबेटर वगैरह रखा हुआ है, तो मुर्गियाँ वगैरह भी रखी हुई आपने? नहीं, ये मुर्गियाँ नहीं रखी हुई। जब ये हम फॉस्टिंग करवाते हैं तो जो हमारे फॉस्टर पेयर्स के जो एग होते हैं, जो हमें जगह नहीं मिल रही होती तो हम वो इंक्यूबेट करते हैं उसको वक्ती तौर पे। उसके बाद फिर जैसे ही हमें जगह मिलती है किसी पेयर के नीचे, तो फिर हम उसको आगे पीछे उसको अंडों को जो है वो शिफ्ट कर देते हैं। सही। चलिए अपना नंबर आप बताएंगे, किसी को रब्ता करना हो आपसे? जी बिल्कुल, मेरा नंबर है 03212158960। सही। बाकी व्यूअर्स ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर अमान अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।